मिस्टर टेकबुल में अब तक आप मुर्गी पालन से लेकर मछली पालन तक की वीडियो देख चुके हैं। इस सीरीज में आज हम आपके लिए लाए हैं उस जानवर की मीट प्रोसेस की वीडियो सीरीज, जिसे कुछ लोग तो बड़े ही स्वाद से खाते हैं, तो कुछ लोग इसे गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। का बच्चा साला, यानी कि सुअर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पोर्क यानी कि सुअर की मीट के लिए किसान भाई हजारों की तादाद में सुअरों को फार्म में पालते हैं, और जब ये सुअर बड़े हो जाते हैं तो इन्हें बढ़िया स्वादिष्ट पोर्क के रूप में तैयार करने के लिए फार्म से फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहाँ इन्हें सबसे पहले अच्छे से पानी से नहलाया जाता है। वहीं पिग्स को अच्छे से नहलाने के बाद इन्हें ऐसे ही क्रेन की मदद से फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है, जहाँ मशीनों की मदद से इनके गले में छेद कर दिया जाता है। ये छेद कुछ इस तरह से किया जाता है कि इनकी बॉडी का सारा खून बॉडी से बाहर निकल जाए। इसके बाद इनकी टांगों को पकड़ कर हुक से लटका दिया जाता है। इन लटके हुए सुअर को एक बार फिर से गर्म पानी में अच्छे से धोया जाता है, और पिग्स के फर को पिकर मशीन के जरिए आसानी से हटा दिया जाता है। फर हटाने के बाद पिग्स को इन पिकर मशीन से निकाल लिया जाता है। उसके बाद अब इन्हें दो हुक्स के जरिए दोबारा लटका दिया जाता है। हुक्स में लटका कर इन पिग्स को आग में जलाया जाता है, जिससे इनके अंदर का पानी अच्छे से ड्राई हो जाता है और स्किन पर बचा थोड़ा बहुत फर फिर जल जाता है। जले हुए फर को साफ करने के लिए उसे अच्छे से साफ कर दिया जाता है, और फिर इसे 3 स्टेप में एक बार फिर से धोया जाता है। अच्छे से साफ करने के बाद इन पिग्स के पिछले सिरे को इस रोबोटिक मशीन के जरिए काट दिया जाता है। वहीं पिछले सिरे को काटने के बाद एक दूसरी रोबोटिक मशीन इस पिग्स को ऊपर से नीचे तक बिल्कुल बीचों बीच चीड़ देती है। बीच से कटने के बाद इन पिग्स के अंदर से सभी ऑर्गन्स को बाहर निकाल कर दूसरे हुक पर लटका दिया जाता है। वहीं वर्कर उन्हें अच्छे से साफ करते हैं। इतना करने के बाद वर्कर इन बिना ऑर्गन वाले पिग्स को आगे भेज देते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। आपको जानकर यहाँ हैरानी होने वाली है कि ये मशीनें हर 2 मिनट में 15 से भी ज्यादा पिग्स को कट कर देती है, और दिन भर में हजारों को। एक तरफ मशीन इन्हें 2 भागों में बांटती है, तो दूसरी तरफ से बाकी मशीनें इनके ऊपर पानी का छिड़काव करती है, जिससे इनके अंदर के खून को अच्छे तरीके से साफ कर दिया जाता है। इतना करने के बाद इन्हें कट हुए पिग्स को कोल्ड स्टोर में भेज दिया जाता है, जहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। दोस्तों यहाँ से निकाल कर इन पिग्स को इन धारदार मशीनों और छुरियों से छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, और इसकी अच्छे से कटाई छटाई कर ली जाती है। कटाई छटाई के बाद कन्वेयर बेल्ट से होते हुए ये मीट आगे भेज दिया जाते हैं, जहाँ दूसरी मशीनें इनके ऊपर अपना वजन डालकर इसे पूरी तरह से चपटा कर देती है। चपटा करने के बाद इन्हें स्कैन करने के लिए दूसरी मशीन में भेज दिया जाता है, जहाँ स्कैन होने के बाद ऑटोमेटिक मशीन से इनकी पसलियाँ बॉडी से अलग कर दी जाती है। इतना करने के बाद पहले इन्हें मीट कटर मशीन में डाला जाता है, और वहाँ से इनके छोटे छोटे टुकड़े मिक्सिंग मशीन में गिर जाते हैं, जहाँ ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। फिर कन्वेयर बेल्ट से होते हुए इन्हें आगे भेज दिया जाता है, जहाँ एक मशीन इस कीमे पर नमक गिराती है। ये कीमा फिर एक दूसरी मशीन में अच्छे से मिक्स किया जाता है और आगे पैकेजिंग एरिया में भेज दिया जाता है। यहाँ इन कीमों को बराबर वजन के हिसाब से बक्सों पर भर दिया जाता है, और फिर एक एक करके मशीन की मदद से इनको सील पैक कर दिया जाता है, और इसके ऊपर जरूरी इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर दी जाती है। अब ये कीमा बाजार में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ। वहीं अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं हम मिलेंगे अगली वीडियो लेकर आपको इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।